बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और आज का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा भाई, वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं खुद शुक्र गुजार हूँ जी मैकडोनल्ड ऑफ पाकिस्तान का। सऊदी अरब की तरफ से तो आपको पता है तकरीबन 5.5 लाख डॉलर के अराउंड में फ़लस्तीनियों की मदद की गई, और आज पाकिस्तान में जो मैकडोनल्ड है भाई, उनकी तरफ से भी तकरीबन 1 करोड़ रुपये फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए यानी कि जारी कर दिया गया है। अच्छा इकदाम है भाई। बहरहाल जी, अगर हम डॉलर के मुतलक बात कर लें तो आपको पहले मैं डॉलर आज का कल की नस्बत आज डॉलर तकरीबन 10-20 पैसे यानी कि आप बोल रहे कम हुआ या ज़्यादा बढ़ा, यानी कि कल वाला ही रेट है वही तकरीबन रेट रहा, और डॉलर आज नहीं बढ़ा। हालांकि कल आपको पता है 3 रुपये प्लस में डॉलर महंगा हुआ था, ओपन मार्केट में 4 रुपये प्लस में। अगर हम रियल रेट की बात करें तो आपको एक्सचेंज रेट जो है जी वो पहले मैं बता दूँ, और इस वीडियो के तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मैं एक वीडियो लगा दूंगा जी। उसमें हम हर जुमेरात को वीडियो लगाते हैं, उसमें डिटेल से बात कर लेंगे रियाल के मुतल्लक, अभी रोकने चाहिए भेजने चाहिए या क्या मामला हैं। बहरहाल जी, अगर एक्सचेंज रेट आज का आपके साथ शेयर करूं तो आज का एक्सचेंज रेट 74.07 रुपये हो चुका है, और कल की नस्बत अच्छा खासा इजाफा है। 22.20 रुपये इंडिया है जी, बांग्लादेशी टका 29.42 रुपये। वैसे इंडिया इसमें हमसे पीछे है, उस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है तो भाई पाकिस्तान और 30-32 ओवर में इंडिया ने विन कर लिया है। बहुत यार हैरानगी हुई मुझे इनकी बैटिंग के ऊपर और बॉलिंग के ऊपर भी। बहरहाल जी, अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो वैसे ओपन मार्केट का रेट आपको बता दूँ, इस वक्त पाकिस्तान में 75 रुपये प्लस में रियाल लिया जा रहा है जी, एजेंट ले रखे हैं, ओपन मार्केट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर बात करें तो इनमें तहवील राजी बैंक का अगर आपको रेट बताऊँ तो इनका आज का रेट 73.44 रुपये हो चुका है, और 10.17 रुपये 23 सेंट फीस है। वैसे कल एक भाई ने मुझे STCPA का कमेंट करके बताया था 73.75 रुपये रेट था कल का STCPA का, आज का STCPA का रेट जो मेरे पास शो हो रहा है वो 73.75 रुपये ही शो हो रहा है, तो भाई की बात तो बिल्कुल ठीक थी। बहरहाल जी, अगर हम वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट 74.12 रुपये हो चुका है, 10.17 और 23 सेंट फीस के साथ। अगर मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट 73.76 रुपये, 10.17 और 23 सेंट फीस के साथ। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 73.19 रुपये, 10.17 और 23 सेंट फीस होती है भाई इनकी भी। और अगर फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73.85 रुपये है, 10.17 और 23 सेंट फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से भेजना चाह रखे हैं, वैसे हॉन्डी वालों के मतलब बता दूं मैं, जो हॉन्डी के थ्रू भाई भेजते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक देख लें जी आप, ये पाकिस्तान में हॉन्डी के एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं, 8 लाख रुपये प्लस में इनसे बरामद हुए हैं। तो हॉन्डी के थ्रू पैसे मत भेजें यार, आप पकड़े गए तो आपके पैसे डूब जाएंगे, तो रेट भी नहीं दे रहे हैं आजकल। अच्छा जी, इंजाज बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 73.38 रुपये, 10.17 और 23 सेंट फीस है जी। और अगर बात करें हम क्विक पे की तो भाई क्विक पे का आज का रेट 74.07 रुपये, 10.17 और 23 सेंट फीस के साथ। ओवरऑल भाई तकरीबन 74 के अराउंड में 74 तक पहुंच चुका है बैंकों में रेट, और अगर आने वाले दिनों के मतलब बात करें तो मज़ीद इसमें इजाफा होगा। बाकी 2-3 घंटे के बाद मैं एक तफसील से वीडियो शेयर कर दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा।